असलम डियरफ्रेंड आज हम बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में ब्रेन ट्यूमर क्या है इसके काजेज़ कौन कौन से हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है लेट्स और लेक्चर अबाउट ब्रेन ट्यूमर अ ब्रेन ट्यूमर एज एन एबनॉर्मल ग्रोथ और मास सेल एन आर अराउंड योर ब्रेन टुगेदर स्पाइनल ट्यूमर एंड ब्रेन ट्यूमर कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर दिमाग की रसोली से मुराद दिमाग में खलियों के खिलाफी मामूल तैदाद का बढ़ जाना है दिमाग और स्पाइनल कार्ड दोनों के ट्यूमर को हम सी एन एस ट्यूमर कहते हैं ब्रेन ट्यूमर कैन बी मलेग्न कैंसरस और बिनाइन नॉन कैंसरस। सम ट्यूमर ग्रोकली वाइल अदर आर स्लो ग्रोइंग ब्रेन ट्यूमर मलेग्नेंट और बिनाइन दोनों हो सकते हैं मलेग्नेंट को हम कैंसरस भी कहते हैं और बिनाइन को हम नॉन कैंसरस कहते हैं बाद ट्यूमर स्लो ग्रोइंग करता है और बाद क्विकली ग्रोइंग करता है ओनली अबाउट वन थर्ड ऑफ ब्रेन ट्यूमर आर कैंसरस बट वेदर दे आर कैंसरस आर नॉट ब्रेन ट्यूमर कैन एम्पैक्ट ब्रेन फंक्शन एंड योर हेल्थ लार्ज एंड प्रेस ऑन सराउंडिंग नर्वज ब्लड वेसल एंड टिशू तकरीबन वन तरफ ब्रेन ट्यूमर कैंसरस होता है ब्रेन ट्यूमर दिमाग के फंक्शन और बॉडी हेल्थ पर असरअंदाज होता है जब ब्रेन ट्यूमर का साइज़ बढ़ जाता है तो ये दिमाग के नर्वज ब्लड वेसल और टिशू पर प्रेशर डालता है अब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर के बारे में ट्यूमर दर डिवलप इन योर ब्रेन और कॉल प्राइमरी ट्यूमर ट्यूमर डेट स्प्रेड टू योर ब्रेन आफ्टर आफ्टरफॉर्मिंग एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी आर कॉल्ड सेकेंडरी ट्यूमर आरकार ब्रेन ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर जब दिमाग में डिवलप होता है तो इसको हम प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं सेकेंडरी दिमाग के ट्यूमर दिमाग के कैंसर के एक सीरीत बनाते हैं ये जिसम के एक ही हिस्से से, से शुरू होते हैं और दिमाग में फैलते हैं इसको हम मिटासटिक भी कहते हैं अब हम बात करते हैं बिना ट्यूमर के बारे में

अब हम बात करते हैं मलेग्नेंट ट्यूमर के बारे में ट्यूमर क्या है मलेग्नेंट ट्यूमर है ट्यूमर आर कैंसर दर साइट दु डिस्टिंग ब्लड स्ट्रीम और द लेपेटिकस्टम दिटास्ट्र मलेग्नेंट ट्यूमर असल में मामूली बढ़ाव है ये एक से जगह से दूसरी जगह थ्रू ब्लड स्ट्रीम और लम्पेटिक सिस्टम के जरिए मुंतिल होता है इसको हम मिटास्ट भी कहते हैं अब हम ब्रेन ट्यूमर के काजेज के बारे में बात करते हैं बेंजीन एंड अदर केमिकल एंड थाजीन ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर जेनेटिक प्रॉब्लम ओबेसिटी रेडिएशन एक्सपोजर वायरसेस ये मख्तलफ काज है जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर दिमाग में डिवलप होता है अब हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है कौन कौन से मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट ट्यूमर के पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड ऑन द टाइप साइज ग्रेड एंड लोकेशन ऑफ़ द ब्रेन ट्यूमर ऑप्शन माइट इंक्लूड सर्जरी रेडिएशन थेरापी रेडियो सर्जरी कीमोथेरापी एंड टारगेटेड थेरापी ये मुख्तलिफ थेरापी मुख्तलि ब्रेन ट्यूमर मरीज के लिए इस्तेमाल होते हैं अब हम इसकी मेडिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कौन सी मेडिकेशन है जो ब्रेन ट्यूमर में यूज़ होते हैं एक नंबर पे आता है टीमोजलोमाइड एज द मेडिसन मोस्ट अपन यूज ज़्यादातर यूज होता है लोमोस्टिन मेविस बेवेसिजोमेप टिमोडार टीमोजलोमाइड के नाम पर मार्केट में अवेलेबल है एजित्रोमायसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन ये मुख्तलिफ़ मेडिसिन ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है Thanks for watching and subscribe for more videos.